दोस्तों नमस्कार, आज हम एक पुराने केस की बात करेंगे, हाईजैकिंग ऑफ IC-814। ये प्लेन जो है इंडियन एयरलाइंस का, ये 1999 में हाईजैक हुआ था दिसंबर में। और जबकि आपने इसके बारे में बड़े वीडियोस देखे होंगे, बड़ा कुछ देखे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही थी, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं और गवर्नमेंट को भी इसमें पता चले कि इस केस में क्या हुआ था। मैं पूरी डिटेल में ही जाऊंगा, लेकिन हाँ, जो इनके जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपके सामने रखूंगा और उसके बाद इसमें अपनी असेसमेंट दूंगा कि यहां क्या हुआ और क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814, ये नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी इसने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और उसके बाद ये प्लेन जो था ये हाईजैक हुआ और ये प्लेन वहां से अमृतसर गया, दिल्ली नहीं पहुंचा, उसके बाद लाहौर गया, दुबई गया और उसके बाद फाइनली ये कंधार में लैंड किया अफगानिस्तान में। टोटल फ्लाइट टाइम जो इसका प्लेन का है वो है 1 घंटा 40 मिनट। लेकिन जैसे ये प्लेन उड़ा और इंडिया की टेरिटरी में एंटर किया, 5:30 में 5 मिलिटेंट्स हरकतुल मुजाहिदीन के, इन्होंने उस प्लेन को हाईजैक किया। और इस प्लेन के जो कैप्टन थे वो थे देवीशरण, 37 साल की इनकी उम्र थी। और इनको लखनऊ के ऊपर जब प्लेन पहुंचा तो उनको कहा कि यहां से डायवर्ट करके आप लाहौर की तरफ ले जाओ, बंदूक की नोक पे कहा गया था। कैप्टन शरण ने हाईजैकर्स को बताया कि उनके पास ज्यादा पेट्रोल नहीं है, इसलिए वो प्लेन को लाहौर नहीं लेके जा सकते, लेकिन हाँ उसको अमृतसर ले जाते। उन्होंने हाईजैकर्स को कन्विंस किया और वहां से अमृतसर की तरफ रास्ता कर लिया और प्लेन की स्पीड कम कर ली, 40% स्पीड कम कर ली, ताकि दिल्ली वालों को ज्यादा टाइम मिले इसको कुछ एक्शन लेने के लिए। और जैसे प्लेन ने अपना रूट चेंज किया, दिल्ली में खबर पहुंच गई कि यह प्लेन हाईजैक हो गया। उसके बाद यह प्लेन जो है शाम को 7:05 पे अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड किया और 7:51 पे यह प्लेन वहां से उड़ गया। हाईजैकर्स ने कहा इसको उड़ा के ले जाओ, तो प्लेन को वहां से उड़ा के ले गए लाहौर की तरफ। प्लेन के अंदर 176 लोग थे, पैसेंजर्स थे, जिसमें से 5 टेररिस्ट थे और साथ में 16 इसमें क्रू मेंबर्स थे। और यहां के जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स और प्लेन के जो हमारे लोग थे वो ये सोच रहे थे कि अब प्लेन हमारा अपनी टेरिटरी में खड़ा है, अमृतसर में खड़ा है, तो इसके ऊपर हमारे कमांडोज आएंगे और हमको छुड़वा करके यहां से ले जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह थे, वहां के अमृतसर के ट्रूप्स को कमांड कर रहे थे, उनको जैसी खबर मिली उन्होंने अपने 3 टैंक रेडी कर दिए और अपने कमांडोज को वहां पे खड़ा कर दिया एयरपोर्ट के एरिया के अंदर एक्शन लेने के लिए। और साथ साथ पंजाब पुलिस के कमांडोज है वो भी तैयार हो गए, वो भी तैयार खड़े थे इस पे एयरपोर्ट पे एक्शन लेने के लिए, लेकिन उनको दिल्ली की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। इसके बाद प्लेन उड़ गया और वो कुछ नहीं कर पाए, कमांडोज कोई एक्शन नहीं ले पाए, ना आर्मी वाले एक्शन ले पाए। उसके बाद ये प्लेन वहां से उड़ के लाहौर की तरफ चला गया और कैप्टन शरण ने पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की इस प्लेन को लैंड करने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने रिफ्यूज कर दिया लैंड करने के लिए और उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, पूरी नेविगेशन एड्स थी वो बंद कर दी और रनवे की लाइट्स बंद कर दी, एमरजेंसी लाइट्स बंद कर दी और साथ में एप्रन लाइट्स भी बंद कर दी। लेकिन जब सिचुएशन बहुत डेंजरस दिखी, क्योंकि बार बार कैप्टन शरण जो है वो अपील कर रहे थे पाकिस्तानी अथॉरिटीज से कि लैंडिंग के लिए, और उनको पता था कि उनके अंदर फ्यूल भी अब खत्म हो चुका है, तो फाइनली पाक गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया उनको इमरजेंसी लैंड करने के लिए। उसके बाद जब वहां पे गवर्नमेंट को पता चला, इंडियन गवर्नमेंट को, कि ये प्लेन लैंड कर चुका है, तो उन्होंने पाकिस्तानियों से 2 रिक्वेस्ट की। पहली रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कहा कि ये प्लेन को यहां से जाने की परमिशन ना दी जाए जो लाहौर में खड़ा है। और दूसरा ये कहा कि जो इंडिया के हाई कमिश्नर थे जी पार्था सारथी उस टाइम पे, उनके लिए एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाए ताकि वो लाहौर पहुंच जाए और ये हाईजैकर से बात कर। लेकिन जब लाहौर में प्लेन था वहां पे पाकिस्तानी कमांडोज ने इसको एनसर्कल किया और इसको रिफ्यूल किया। उसके बाद ये प्लेन को 22:32 मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब रात के 10:32 को प्लेन से वहां से उड़ने दिया। और जैसे इंडिया ने कहा था कि हमारे हाई कमिश्नर वहां पे जी पार्था था कि उनको हेलीकॉप्टर दिया जाए, उनको हेलीकॉप्टर दिया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर दिया गया उनको प्लेन के उड़ने के बाद, और वह जब वहां पहुंचे तो प्लेन उड़ चुका था, उनका वहां पहुंचने का कोई पर्पस नहीं था। ये जो प्लेन था लाहौर में 2.5 घंटे रुका और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने किसी भी बच्चों को और लेडीज को वहां से प्लेन से उतरने की परमिशन नहीं दी, जबकि पायलट ने बार बार इसके बारे में रिक्वेस्ट की। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि जब यह प्लेन इंडिया में था,
हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया या हमारी एजेंसीज ने कुछ नहीं किया या हमारे जो भी आदमी इसमें ऑथराइज थे उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये प्लेन वहां पे 45 मिनट खड़ा रहा, ये ना प्लेन पे फ्यूल भरा गया, ना प्लेन को सराउंड किया गया, और ना जबकि हमारा सब कुछ वहां तैयारी थी, ना ही उसके कुछ एक्शन लिया गया, और अल्टीमेटली इस प्लेन को उड़ने की दिया, इसको कोई रोक टोक भी नहीं की। उसके बाद लाहौर के बाद ये प्लेन जब उड़ने के बाद दुबई पहुंचा, जहां पे 27 जो बच्चे और लेडीज थे उनको उतारा गया उस प्लेन से, और उसके बाद अथॉरिटीज ने उसको प्लेन को उड़ने दिया। इंडिया ने वहां रिक्वेस्ट किया कि हमें कमांडो उसको भेज रहे हैं एक्शन लेने के लिए, उनको अटैक करने की परमिशन दी जाए, लेकिन यूएई ने इसको मना कर दिया। अब यहां पे फिर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये प्लेन अमृतसर में था तो कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके बाद जब ये यूएई पहुंचा तो हमारे गवर्नमेंट कहती है कि हमारे जो एंटी हाईजैक स्क्वाड है वो आएगी, उस पर अटैक करेगी, उन पर एक्शन लेगी। एक बड़ी अजीब सी बात है, आप अपने कंट्री में तो कुछ करते नहीं है, दूसरी कंट्री से कहते हैं वहां पे एक्शन करेंगे, दूसरी कंट्री में जाके अपना एरिया आपको पता है, जानते हैं यहां पर, यहां पे अपने आप 100 कमांडो भेजिए, 200 कमांडो भेजिए, दूसरी कंट्री के अंदर आप जाएंगे वहां पे 3-4 घंटे की आपके फ्लाइट का टाइम भी रहेगा, कैसे आप कर सकते हैं। तो यहां भी एक बड़ी अजीब सी बात है। इसके बाद फाइनली एक प्लेन जो है दुबई से उड़ के कंधार पहुंच गया, और उस टाइम कंधार में तालिबान की गवर्नमेंट थी, तालिबानियों ने उनके फाइटर्स ने प्लेन को आस पास से एनसर्कल कर लिया, और इस कोशिश में कि कोई भी इंडिया कोशिश करे इसके ऊपर एक्शन लेने की तो वो एक्शन न लिया जा सके। और वहां पे एक और बात थी कि उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन की बात की, इंडियन गवर्नमेंट ने एक टीम भेजी, इंडिया से 3 लोग गए, जो उनमें से मेन थे हमारे जो अभी करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, इनको आईबी से भेजा गया। उसके बाद रॉ से एक सीरीज आए हैं सीनियर थे, उनको भेजा गया, और एमईए से विवेक कारजू, उनको भेजा गया। ये तीनों लोग जो हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपर्ट थे पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर, और बड़े कैपेबल ऑफिसर थे, ये वहां भेजे गए। इनको साथ सैटेलाइट फोन प्रोवाइड किए गए, क्योंकि अगर ये वहां सैटेलाइट फोन से दिल्ली से कम्युनिकेशन करेंगे तो कोई उसको टैप नहीं कर सकता था, उस टाइम की फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद 31 दिसंबर 1999 को 7 दिन के बाद ये होस्टेजेस को वहां से रिलीज किया गया, और 3 मिलिटेंट को भी वहां पे उनको डिलीवर किया गया। ये मिलिटेंट थे मुश्ताक अहमद दरगार, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर, और उसके बाद इनका सेफ पैसेज किया गया, और साथ साथ जो हमारे जितने भी लोग थे प्लेन के उस टाइम पे 175 लोग थे और साथ में शायद 15-16 हमारे क्रू के मेंबर्स थे, उनको अलग प्लेन से दिल्ली लाया गया। अब यहां पे भी एक और बात है, हमारे गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि हम तो पूरे तैयार थे कंधार में इन पे प्लेन पे अटैक करने के लिए, हमारे कमांडोस रेडी थे, लेकिन वहां पे क्योंकि तालिबान ने उनको घेरा हुआ था इसलिए हमने अटैक नहीं किया, क्योंकि इससे हमारे को नुकसान हो सकता था या हमारे पैसेंजर्स की भी जान जा सकती थी या हमारे काम करने में दिक्कत थी। अब यहां पे फिर वही सेम क्वेश्चन आता है कि प्लेन जब अमृतसर में था तो उन्होंने कुछ किया नहीं, जब प्लेन लाहौर जाता कहते हैं हम वहां पे हम कुछ काम करेंगे, दुबई जाता कहते हैं वहां पे हम इसको स्टॉर्म करेंगे, अफगानिस्तान जाता है तो हम वहां स्टॉर्म करेंगे, और जब जी जो प्लेन की जो हाईजैकिंग का पता चला 5:30 बजे शाम को पता चला, हमारे पास गवर्नमेंट के पास 1 घंटा 35 मिनट थे उसके प्लेन के बारे में डिसीजन लेने के लिए, कि पता था कि प्लेन अमृतसर जा रहा है, कुछ नहीं किया। फिर ये प्लेन 45 मिनट के लिए अमृतसर के एयरपोर्ट पर खड़ा, वहां आपने कुछ नहीं किया, और सब हमारे कमांडोस भी थे, सब कुछ थे, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब प्लेन वहां से चला गया तो आप कहते हैं हम यहां भी एक्शन लेंगे, दुबई में एक्शन लेंगे, हम तालिबान के एरिया में एक्शन लेंगे, तो एक ये बेसिकली एक कवर अप है। अब इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी वहां प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी प्लेन की हाईजैकिंग के बारे में 7 बजे बताया गया, मतलब पूरा 1.5 घंटा ये उनसे छुपाया गया, और वो भी उनको तब बताया गया कि जब वो अपने प्लेन से उतर करके वीआईपी एरिया पालम टेक्निकल एरिया पहुंचे तब उनको बताया गया। और ये किसी को नहीं पता कि वहां पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनके बाद उनको ये बताया गया, ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उससे एलके अडवाणी थे, ना उनकी कोई स्टेटमेंट आई इसके बारे में, हमने इसमें कुछ नहीं सुना आज तक। अब जब हमारी टीम जो कंधार पहुंची तो वहां पहले पाकिस्तान के आईएसआई के लोग प्रेजेंट थे, तालिबानियों के साथ खड़े हुए थे, तो उसके बाद अजीत डोवाल जो मेन नेगोशिएटर थे उन्होंने ये कहा ये जो हाईजैकर्स थे इनको एक्टिव सपोर्ट आईएसआई से मिल रही थी, और उन लोगों ने इनका पहले सेफ एग्जिट का अरेंजमेंट कर लिया था और उसकी गारंटी दे दी थी, और उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको एस्केप रूट मिल गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा था करने को, और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अगर इनको आईएसआई की सपोर्ट ना मिलती
तो हम इससे तालिबानियों से इसके इसका नेगोशिएशन करके इसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का ऐसे ही वहां खड़ा था तो हम कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने सारा कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था, हमारा रोल तो लिमिटेड था। फिर डोवाल साहब ने एक और स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि ये जो सारी इंसिडेंट हुई डिप्लोमेटिक फेलियर था, क्योंकि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी थी ना, तो ये यूएस से कुछ कह सके ना यूएई से कुछ कह सके ना उनसे डिमांड कर सके ना उनकी तरफ से प्रेशर डाल सके कि पैसेंजर्स को रिलीज किया जाए। तभी इस पूरे एपिसोड में 7 दिन लगे, 7 दिन आप सोचिए कि पैसेंजर्स का क्या हाल होगा प्लेन के अंदर। और इसमें इसके बारे में एक और बात कहना चाहूंगा कि जब अभिनंदन को पकड़ा था पाकिस्तानियों ने, आप देखिए 58 घंटे के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने कैसे उसको रिलीज कराया कि वो हमको बॉर्डर पे अभिनंदन को पकड़ा के गए। ये हमारी कंट्री का एक डिप्लोमेटिक सक्सेस था, या इसमें जैसे आपको डोवाल साहब ने कहा कि किस तरीके से हम डिप्लोमेसी उस टाइम हमने फेल की, ये एक शो करता है कि हमारा डिप्लोमेटिक सक्सेस किस टाइम का था। दूसरी बात एक और है कि ये जो इंसिडेंट थी ये देखी गई कि बीजेपी गवर्नमेंट का टोटल फेलियर था उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी का। और अगली बात एक और आती है कि एएस दुल्लत की उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स आई और कुछ और लोगों की स्टेटमेंट्स आई जिससे उन्होंने कोशिश की छुपाने की कि किस तरीके से, क्योंकि एएस दुल्लत उस टाइम रॉकेट चीफ थे तो, और इन्होंने कैसे कवर अप करने की कोशिश की कि हमने यहां एक्शन नहीं लिया, हमने वहां एक्शन नहीं किया, हमने प्लेन को इमोबिलाइज क्यों नहीं किया, या हमने वहां पे कमांडो एक्शन नहीं किया। एक इनके उस बारे में बड़े झूठे या मतलब घुमाने वाले कवर अप के अपने बड़े बड़े कमेंट्स आए इनके। और इसके ऊपर दूसरा भी कहा गया कि रॉक इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन क्या ये रॉक इंटेलिजेंस फेलियर था इसके बारे में हम अलग किसी वीडियो में बात करेंगे कि वेदर रॉक के पास कोई खबर थी या रॉक की किसी ने खबर दी इसके बारे में, उसके बारे में अलग से हम बात करें। इससे पहले हम बात करें कि जब कारगिल का इंसिडेंट हुआ था उस टाइम भी कहा गया रॉक का फेलियर था, मैंने उसके ऊपर आपको 3 वीडियो दिखाई, 3 वीडियो में कुछ बातें क्लियर की हैं कि एक्चुअली ये रॉ का फेलियर नहीं था, यहां पे कुछ कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ थी? कॉन्स्पिरेसी थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। और इसके बाद आपका आइडिया होगा कि कॉन्स्पिरेसी अटल बिहारी के वाजपेयी के पास कौन कौन लोग कर रहे थे। और दूसरा एक इश्यू यह आया कि ये जो पीएम को नहीं बताया, 1.5 घंटे तक प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से छुपाई गई, तो उसका किसकी ड्यूटी थी बताने की? क्या उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की थी? ब्रिजेश मिश्रा थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, या एलके अडवाणी की थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, या एलके अडवाणी क्या कर रहे थे, उन्होंने हाईजैकिंग के एक्शन के लिए क्या किया? फिर तीसरी बात ये थी कि क्योंकि एलके अडवाणी उस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे, तो तीसरी थी एएस दुल्लत जो रॉ के चीफ थे, क्योंकि एक रॉ का इशू था क्योंकि ये प्लेन बाहर से हाईजैक होकर आया था, उनका इसमें क्या रोल था। लेकिन दूसरी बात है कि क्यों पाकिस्तान ये बात अटल बिहारी वाजपेयी से छुपाई गई। और उसके बाद एक और बात आती है कि यहां पे बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम मिला था, क्योंकि इसकी हाईजैकिंग की इन्फॉर्मेशन 5:30 बजे आई और ये प्लेन लैंड किया अमृतसर में 7:05 पे। उस 1.5 घंटे के अंदर किसने क्या एक्शन लिया, क्या प्लानिंग की, कोई कुछ नहीं कहा गया, सब छुपा कवर अप करने के लिए। उसके बाद अमृतसर में 45 मिनट खड़ा रही, 7:05 से 7:50 तक, और तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी बात है कि ब्रजेश मिश्रा का किसने क्या रोल था, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है क्या? यहां पे आज देखते हैं कि आज जो कंट्री में होता है हमारे एनएसए का क्या रोल रहता है, वो क्या पीएम से कोई बात छुपाते हैं? कोई बात नहीं छुपाई जाती, बल्कि जैसे मौका मिलता है ऐसे सिचुएशन में एक पीएम भी साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, एनएसए भी साउथ ब्लॉक में है, इमीडिएटली एक्शन स्टार्ट हो जाता है जैसे कोई इंसिडेंट होती है। अब जब सेम बात है जब कारगिल हुआ 99 में, मई में हुआ तो उससे पहले था लेकिन मई में एक्शन स्टार्ट हुआ, तो अरविंद दवे वहां पे रॉ के चीफ थे, जुलाई में रिटायर हुए, रिटायर होकर के उनको गवर्नर बना दिया अरुणाचल प्रदेश का। और उस टाइम पे एएस दुल्लत जो थे वो रॉ के नंबर 2 थे, ये रॉ के एक्चुअली ऑफिसर नहीं है, ये आईबी से रॉ में लाए गए थे, स्पेशली लाए गए थे, और मुझे लगता है कि उनको लाने का कोई खास पर्पस होगा। उस टाइम पे बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया रॉ के अंदर कि आप क्यों बाहर के आदमी को ला रहे हो, ठीक है बड़े होशियार होंगे बड़े कैपेबल होंगे, लेकिन एक ऐसी बात है कि जैसे एक आपका नेवी का चीफ हो उसको आप आर्मी का चीफ बनाते हैं, एक नेवी के सीनियर आदमी को आर्मी का चीफ बनाते हैं या आर्मी के ऑफिसर को नेवी का चीफ बनाते हैं, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और लेकिन इसके अंदर भी कुछ छुपी हुई बात है इनको लाने के अंदर। और एएस दुल्लत उस टाइम कारगिल के टाइम में यहां पे नंबर 2 में थे और ये पूरे पाकिस्तान के ऑपरेशंस को देख रहे थे, और उसके बाद वहां का फेलियर हुआ तो इनको रॉ का चीफ बना दिया जुलाई में। उसके बाद दूसरी बात देखें, अगर हमारा IC-814 में रॉ का फेलियर था तो दुल्लत साहब को उसके बाद एडवाइजर बना दिया कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का।
और जब तक 2001 में वहां के एडवाइजर बने और जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वहां रिटायर नहीं हुए, यहां ये वहां के कश्मीर के एडवाइजर बने रहे। पूरे जो एपिसोड है IC 814 का हाईजैकिंग का है, मैं एक गारंटी से बात कहता हूं कि कॉन्स्पिरेसी है हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ की, और इसमें उनके NSA तो इन्वॉल्व थे ही, साथ में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे कि एक वहां पे कौन से पॉलिटिशियन थे, क्योंकि NSA अकेले अपने ऐसा एक्शन नहीं ले सकती कौन हाईजैकिंग को छुपाने का या हाईजैकर्स को सक्सेस करने का। सेम आपका कारगिल में हुआ और सेम IC 814 की हाईजैकिंग में हुआ।